आप इस बात पर यकीन करें या नहीं, लेकिन सलमान खान अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट गए हैं। लगातार फेल हो रही फिल्मों ने सलमान खान को झुका दिया है, और इस कदर झुका दिया है कि सलमान खान उस शख्स के साथ काम करने जा रहे हैं जिसके साथ उन्होंने कभी फुल फीचर फिल्म में काम नहीं किया। सलमान खान ने करियर बचाने के लिए अब करण जौहर का हाथ थामा है। पूरे करियर में सलमान ने करण जौहर की एक फिल्म कुछ कुछ होता है में काम किया, जिसमें उनका सिर्फ कैमियो था। पूरे करियर में कभी सलमान को करण जौहर के साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मरता क्या नहीं करता। सलमान के इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, जिसमें उनकी आखिरी हिट फिल्म टाइगर जिंदा है नजर आती है, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, और तब से सलमान खान की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। उनकी तीन फिल्में राधे, अंतिम और किसी का भाई किसी की जान ने तो उनकी लुटिया डुबो दी है। अब खबर है कि सलमान ने करियर की खातिर करण जौहर की चौखट पर अपने कदम रखे हैं। सलमान का करियर बचाने के लिए करण जौहर ने पैसा लगाने का फैसला किया है। साउथ के फेमस डायरेक्टर सलमान को लेकर एक एक्शन फिल्म बना रहे हैं, और इसमें सारा पैसा करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन लगाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान, करण जौहर और विष्णु वर्धन पिछले 6 महीनों से इस बिग एक्शन फिल्म के लिए बातचीत कर रहे थे, जो अब फाइनल मोड में आ चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सलमान जल्द ही अपनी इस फिल्म की घोषणा कर देंगे। फिल्म टाइगर 3 के बाद ये सलमान खान की अगली फिल्म होगी। फिल्म नवंबर 2023 में फ्लोर पर जाएगी और 7-8 महीने में इसकी शूटिंग पूरी होगी। बताया जा रहा है कि सलमान की ये फिल्म क्रिसमस 2024 पर रिलीज हो सकती है। सलमान की पिछली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान बिल्कुल गच्चा खा गए। उन्होंने फिल्म में उन स्टार्स को ले लिया जो सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं, लेकिन सलमान ये भूल गए कि सोशल मीडिया स्टार सिर्फ सोशल मीडिया तक पॉपुलर हैं। उन्हें देखने के लिए पैसे खर्च करके कोई सिनेमा हॉल नहीं आएगा। अब सलमान ने इससे भी सबक लिया है, वो अपनी किसी फिल्म में छोटे मोटे स्टार्स को नहीं लेंगे। फिलहाल तो सलमान अब करियर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए, और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।